दिग्रस तहसील और खास तौर से शहर में 7 मार्च की रिपोर्ट हाथ आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोविड सूत्रों के अनुसार आज 76 पॉजिटिव मामले उजागर होने से कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 380 हो चुकी है। हालांकि बीते कुछ दिनों से पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील लोगों का आंकड़ा जारी नहीं किए जाने से भी पॉजिटिव मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी का अंदेशा है। दिग्रस शहर की आबोहवा में इन दिनों कोरोना संक्रमण का खौफ कम और बवाल ज्यादा नजर आ रहा है। 7 मार्च को की गई कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट्स बुधवार को हाथ आई है, जिसमें आरटीपीसीआर के 63 और रैपिड एंटीजन के 13 मामले पॉजिटिव आए हैं। इन 76 मामलों को पहले के 304 में जोड़ने पर पॉजिटिव आंकड़ा अब 380 तक पहुंच गया है। मालूम हो कि कोरोना मरीजों के सिलसिलेवार बढ़ते आंकड़ों में यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दिग्रस शहर में पॉजिटिव आंकड़े जोर शोर से सामने आ रहे हैं, लेकिन पूछे जाने पर भी पॉजिटिव से निगेटिव हो रहे लोगों की संख्या पर कोविड केयर की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल कोविड टेस्टिंग के लिए स्वेच्छा से आए लोग भी कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर की जनता से कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन हो ऐसी अपील कर रहे हैं। एक्टिव पॉजिटिव की संख्या भरपूर वाढलेली आहे, 300 वर गेलेली आहे आणि सामान्य नागरिकच्या नात्याने मी तर टेस्ट करायला आलेलो आहे आणि सगळ्या दिग्रसवासियांना टेस्ट करण्याकरिता इथे प्रशासनाला मदत करावी आणि या कोरोनाच्या बीमारीपासून आपण थोडंसं मुक्त व्हावं त्या उद्देशानं सर्वच नागरिकांनी इथे कोविडची टेस्ट करण्यासाठी यावी आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणि थोडंसं मास्क वगैरे जरासं जे प्रशासनानं नियमावली नाही इथं जे आम्ही आलेलो आहे जे तपासणीसाठी आलेलो आहोत तर त्यांनी सांगितलं 4:30 टाइम सांगितलेला आहे, 4:30 चालू होणार आहे इथं तपासणी। ते व्यवस्थित तर चालू आहे, याच्या अगोदर पण केलेले आहे काही माझ्या मित्रांनो वगैरे, व्यवस्थित चालू आहे सध्या। आज केलं की 3 दिवसांनी रिपोर्ट येणार आहे, 3 रिपोर्ट आल्यावर मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आल्या की लगेच कोविड सेंटरहून फोन येते की औषध वगैरे आहे तिथे यावा कोविड सेंटरला। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रादुर्भाव आंकड़ों की सूरत में हमारे सामने आ तो रहा है, लेकिन कोरोना के फैलाव को लेकर लोगों में अब पहले जैसा खौफ नज़र नहीं आता और ना ही प्रशासन की सतर्कता पहले जैसी दिखाई दे रही है। अचानक बढ़ते आंकड़ों से शहर के लोगों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दबे ओटो लोग अब कोरोना के बढ़ते बेतहाशा आंकड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से नकार भी रहे हैं। हालांकि आंकड़ों को खारिज करने से कोरोना की हकीकत को झुठलाना उचित नहीं है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।